ये बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बिहार में भी आज उपचुनाव हैं और इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, आपको बता दें कि अवनीत बने हुए हैं बिहार से। अवनीत, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिहार में भी उपचुनाव हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इस समय माहौल देखने को मिल रहा है, जरा बताएं। जी, अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे उपचुनाव बिहार में दो सीटों पर हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, आज 3 तारीख को वोट डाले गए थे इसके लिए और उसकी आज मतगणना है, जिसके लिए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मोकामा सीट की मतगणना पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय में की जाएगी और वहीं गोपालगंज की जो मतगणना है, जो वोट डाले गए थे 3 तारीख को, उसकी मतगणना गोपालगंज में ही की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने 100 से भी अधिक जवानों की तैनाती की है, महिलाओं की पुलिस बल की तैनाती की है, मतदान कर्मियों के साथ साथ जो ये मजिस्ट्रेट की बात करें, जो प्रशासन ने तैयारी की है, तो मतगणना कर्मियों की 50 से अधिक, पटना की बात कर रहा हूँ कि 50 से अधिक मतगणना कर्मियों की यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है। 16 जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह मतगणना आज 8 बजे से शुरू होगी और जैसे जैसे हमको ये पटना का मतगणना जो है, तो हम 10 से 11 राउंड में हमको ये रिजल्ट जो है वो आ जाने की संभावना है। मोकामा से ललन सिंह की पत्नी जो बाहुबली विधायक हैं और जो बीजेपी के सीट पर थी, वहीं आरजेडी के सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी जो हैं, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला चल रहा है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो वहां भी आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीत झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अवनीत झा ने भी जानकारी दी है कि आज जो कड़ा मुकाबला है पार्टियों के बीच देखने को मिला है, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो हैं बिहार में भी किए गए हैं। चलिए, आपको बता दें कि 8 बजे से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है, वो शुरू होगी बिहार में भी। और चलिए, आपको दोबारा आदमपुर ही ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता ललित जुड़े हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू होगी, थोड़ा भी समय है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो इस समय हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का हमेशा से यही मुद्दा रहा है, जो बुनियादी मुद्दे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन ललित, वहीं भव्य बिश्नोई ने भी जब खबर फास से बातचीत की तो उन्होंने भी अपना यही मुद्दा बताया कि वो अपने शिक्षा के मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी दीपावली, बिल्कुल जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया गया है उसको लेकर लगातार भव्य बिश्नोई और आम आदमी पार्टी के एक ही मुद्दे रहे हैं, लगातार जो है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार कर रही है। उनका एक ही मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, उसी को लेकर भाजपा के जो उम्मीदवार है और भजन लाल के जो पुत्र हैं भव्य बिश्नोई ने भी इस बार प्रचार के दौरान कहा है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा है बहुत अच्छा किया जाएगा है आदमपुर में, लेकिन यह देखने वाली है कि क्योंकि लोगों को कितना मन बाते हैं। यह लगातार भगवा बिश्नोई और भजनलाल परिवार यहां से विधायक और सांसद रहे हैं, यह देखने वाली बात है कि उनके जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कितने लोग उनसे आकर्षित होते हैं और उनके पक्ष में वोट डालते हैं। और 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। जो हम इस वक्त कांग्रेस भवन में हैं, यहां पर आपको दर्शा दिखा रहे हैं, जो नेता यहां पहुंच रहे थे वह मतगणना के लिए पहुंच चुके हैं, वहां पर केंद्र पर पहुंच चुके हैं और जो भी एजेंट है यहां पर आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का जो नेता हैं, लोग हैं यहां कांग्रेस भवन में देखा जा रहा है। और उनका कहना है कि आज कांग्रेस का गढ़ हम बचाएंगे और जेपी को यहां का लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा और यहां से विधायक बनेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जो 8 बजे मतगणना शुरू होगी उसके पहले राउंड में कौन आगे रहता है, किसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है, यह देखने वाली बात है। और जो लोग हैं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस बार पहली बार आदमपुर में चुनाव लड़ा है उनके द्वारा
रहा और यह कितने लोगों के मन बातें, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली और पंजाब की हर राज्य में जाकर वह बड़ाई करते हैं और जो कार्य करवाए गए हैं उनकी बात की जाती है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो मॉडल है उसकी मिसाल पेश करती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने शिक्षा और जो स्वास्थ्य के प्रति काम किया है बेहद ही सराहनीय काम किया है, उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी और आदमपुर में भी काम किया जाएगा, उसी को लेकर जनता के बीच गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, लेकिन कितना उन्हें आदमपुर की लोगों ने मन भाए और कितना लोगों ने उन पर भरोसा जताया, कितने मत उनको दिए हैं, कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। जी दीपाली, जितेंद्र पांचाल आपका रुक करना चाहूंगी, ललित अभी आपके वापस लौटूंगी। जितेंद्र, जैसे कि ललित ने भी जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई कांग्रेस कार्यालय की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि हम अपना कांग्रेस का जो गढ़ है वो जरूर बचाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से ये गढ़ हुआ करता था, भव्य विश्नोई की बात करते हैं, कुलदीप विश्नोई की बात करते हैं, ये पूरा विश्नोई परिवार जो है इनका गढ़ माना जाता है, लेकिन अब जो कुलदीप विश्नोई है बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जितेंद्र, आप आवाज सुन पा रहे हैं? पजललाल की बात हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो, या फिर जो है भव्य बिश्नोई, आप जो है चुनाव मैदान में, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था लोकसभा का हिसार से, बिल्कुल, लेकिन वो हार गए, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव है और यहाँ पर जो नतीजे है मतपेटियों में बंद है, और जिस तरह से मैं यह दिखाना चाहूंगा कि ये जो आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर जो मतगणना होनी है, तमाम जो पुलिस के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के यहाँ पर किस तरह के प्रबंध है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सामने ही एक तरफ मीडिया सेंटर है, दूसरी तरफ मतगणना केंद्र है, यानी कि दोनों तरफ जो है नजदीक है आपस में, और जो पीछे की दिखाना चाहूंगा तस्वीर, कुछ जो है लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, रेस्ट हाउस है यहाँ पर, कैनाल रेस्ट हाउस यहाँ पर पहुंचे हैं, इससे बाहर कोई लोग जो है क्योंकि कांग्रेस के भी है बीजेपी के भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर उनकी उम्मीद है कि अगली बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जीते या बीजेपी का उम्मीदवार जीते, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह का वोटिंग की तैयारी चल रही है, सुरक्षा को लेकर के तैयारी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो है दोनों में जो कांटे की टक्कर है, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई को जिस तरह से खड़ा किया है, और यहाँ पर भजनलाल का जो गढ़ है, और ये लोगों की भी सिंपैथी है कि भजनलाल जब यहाँ पर जो काम किया है मुख्यमंत्री रहते हुए या कुलदीप बिश्नोई ने जो हजका में रहते हुए काम किया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो लोगों की है कि जो परिवार के साथ वो जो है सिंपैथी है कि भजनलाल परिवार को जो है कहीं ना कहीं विजय मिले, लेकिन जेपी जिस तरह से है, जयप्रकाश जो है लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, दुख सुख में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट या फिर कह सकते हैं भव्य बिश्नोई जो बाहरी उम्मीदवार की बात करते हैं कि जो जेपी बाहरी उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों के साथ है और आना जाना उनका खासतौर पर यहाँ पर लगा रहता है, और यही इनका ये भी कहना है कि जो जेपी है कहीं ना कहीं काम करेगा आपकी बात। अब जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे और कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि कुछ जो दिग्गज थे वो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बात करें तो आखिरी दौर के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, जो है जेजेपी के जो है जो हमारे उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कुल मिलाकर भव्य बिश्नोई के लिए तमाम जो बीजेपी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो उम्मीदें हैं कि जीत सकते हैं। कैसे उम्मीद है, क्योंकि जो गांव की अगर मैं आपको खास बात बताऊं, गांव के अंदर जो वोटिंग हुई है वो कहीं धीमी हुई है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन था उससे जोड़ा जा सकता है, जो किसान ने इसका बीजेपी का विरोध भी किया है, लेकिन कितना विरोध हुआ है कितना नहीं हुआ है, अब जो मतगणना होगी उसके बाद जिस तरह से मतपेटियों से बाहर निकल के उनकी काउंटिंग शुरू होगी, तो तब जाकर के पता चलेगा आखिर जीत आदमपुर में किसकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे अगर देखा जाए भजनलाल जी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब जितनी बार उन्होंने जीत हासिल की है उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा से 70% के आसपास हमेशा से रहा है, और उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो राजनीति के PhD है, राजनीति में उन्होंने PhD की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीजेपी के इस बार के प्रत्याशी है भव्य बिश्नोई कहीं ना कहीं वो जीत सकते हैं, या फिर उनका पलड़ा जो है इस बार भारी हो सकता है, क्योंकि जो उनका सपोर्ट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस बार नजर आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि भव्य बिश्नोई 29 साल के युवा हैं, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं संपत्ति है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भजनलाल का गढ़ जो है आदमपुर माना गया है, शुरू से लेके अब तक लगातार जो भजनलाल यहाँ पर जीते हुए आए, काफी विकास के नाम पर इन्होंने वोट ली है। और क्योंकि हालांकि लोगों के बीच हम गए थे तो कहा जा रहा था कि भजनलाल का परिवार जो है वोट के लिए 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए यहाँ पर जमावड़ा कर देता है, उसके बाद जो है जीतने के बाद जो है विदेश चला जाता है, इस तरह की बातें भी सामने निकल करके आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से वोट हो चुकी है, पोल हो चुकी है, अब काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद आखिर पता चलेगा कि विजय किसकी होगी। क्योंकि जेपी ने जहां तक जोर लगा रखे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार हर घर के अंदर तकरीबन जेपी खुद पहुंचे हैं और उसकी टीम भी वहां पर पहुंची है। और अब की बार जो अगर खेल कुछ दोनों का समीकरण अगर कहीं ना कहीं बिगड़ेगा तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसका समीकरण भी जो है जरूर बिगाड़ सकती है। क्योंकि कुर्डाराम की अगर बात करें तो कुर्डाराम की भी जो वोट, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बालसमंद की जो वोट है ज्यादातर जो कुर्डाराम की वहां से निकल करके आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने का खेल जरूर करेगी। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट टूटने की जो है संभावनाएं जो है बताई जा रही थी। अब मतपेटियों में वोट उनकी बंद है, भविष्य कुछ ही देर में उनका उज्जवल होने वाला है। किस उम्मीदवार का जो भविष्य उज्जवल होगा, क्या एक बार फिर से जो गढ़ जो है भजनलाल का कायम रहेगा, या फिर दोबारा अब पहली बार कांग्रेस यहां से जिस तरह से जेपी की यहां पर जीत होने की संभावना है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा जितेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। और ललित हमारे साथ जुड़े हुए आदमपुर से। ललित, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितेंद्र पांचाल ने भी यही जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर सकती है इस बार, क्योंकि एंट्री बहुत स्ट्रांग तरीके से हुई है आम आदमी पार्टी की। तो क्या हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात दे सकती है? जी बिल्कुल दीपावली, जिस प्रकार से आदमपुर में आम आदमी पार्टी की एंट्री है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी भी वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिलेगी वह कांग्रेस का वोट परसेंट होगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो निम्न तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वह हमेशा से आम आदमी पार्टी के दिल्ली में भी उनके साथ हैं, पंजाब में भी उनके साथ ही हैं, उसी को लेकर जो आदमपुर की जनता है वह भी उनके साथ कितनी उनके जो लोक लुभाने वादे थे उन पर कितनी खड़ी उतरती है यह कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार जो टक्कर है उनमें बीच जो कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी भी इसमें सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस कितनी अपने जो गढ़ को बचाने में कामयाब रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रचार किया गया है, पूरे हरियाणा से कांग्रेस के नेता हैं, जो छोटे नेता हैं बड़े नेता हैं उन्होंने प्रचार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर लगातार प्रचार किया है और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहाँ पर प्रचार के दौरान यहीं पर रुके हैं और गांव-गांव रोड शो किए हैं, घर घर जाकर डोर टू डोर किया है और लोगों से जेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई है। लेकिन यह देखने वाली बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जेपी को कितना मत परसेंट दिलाने में कामयाब होते हैं, विजय दिलाने में कामयाब होते हैं। और जो भव्य बिश्नोई की बात की जाए, यहाँ पर भव्य बिश्नोई भी लगातार यहाँ पर प्रचार के दौरान बड़े नेताओं ने, पूरी सरकार ने यहाँ पर प्रचार किया है। चुनाव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी भव्य बिश्नोई के पक्ष में वोटों की लोगों से अपील की है और उनका कहना कि जितने भी बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा। वह देखना है कि अब जो सभी उम्मीदवारों का भविष्य मत पेटियों में पैक है, जैसे ही 8 बजेंगे उसके तुरंत बाद से मतगणना का कार्य शुरू होगा और जो 14 राउंड जो टेबलें लगाई गई हैं उनमें एक बार में 14 जो मशीनें हैं लेकर आई जाएंगी, उनकी मतगणना की जाएगी। 180 बूथ बनाए गए थे उनकी सभी की काउंटिंग होगी और जो महावीर स्टेडियम में जो लोग हैं पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं, बॉक्सिंग हॉल में जो मतगणना की जाएगी उसको लेकर सभी तैयारियां, कुछ ही देर में जो काउंटिंग शुरू की जाएगी। और यह देखने वाली बात है कि कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी कितना सफल होती है, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री की है यह बेहद ही दिलचस्प है। बिल्कुल ललित, बिल्कुल इसी के साथ आम आदमी पार्टी की ओर से एक बात भी कही गई थी। ललित, आम आदमी पार्टी की ओर से एक बात कही गई थी कि आदमपुर की जो अनाज मंडी में जो भजनलाल की दुकान है 107 नंबर की है, उससे
चुनाव जीतने पर उस दुकान को बंद करवा दिया जाएगा, ये आम आदमी पार्टी की ओर से बयान था। तो क्या कुछ रिएक्शन इस बार देखने को मिला है भजन बिश्नोई परिवार की ओर से? जी बिल्कुल दीपाली, जिस प्रकार से रैली के दौरान जो आम आदमी पार्टी ने जो दुकान को बंद करवाने की बात कही गई थी, बीजेपी का कहना है और बहुआ भजन लाल परिवार का कहना है कि वह हमारी पैतृक दुकान है, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम हमारी दुकान हमने खरीद काम करते हैं। लेकिन यह जो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से बयान दिया था कि हम विजयी होते हैं तो उस दुकान को बंद करवाना है, यह उनका कहना है कि उनका मत है, हमने काम किया है आदमपुर के लिए, लगातार भजनलाल परिवार ने आदमपुर जनता की सेवा की है, उसी सेवाओं की बदौलत हमें इतना प्यार मिल रहा है और जो 2019 में जो प्यार मिला था उससे ज़्यादा इस बार हमें उपचुनाव में मिलेगा। लेकिन यह देखने वाली बात है दीपाली, जिस प्रकार से हरियाणा में यह तीसरा उपचुनाव है, दो उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है, तीसरे उपचुनाव में क्या रहता है, यह जीतती है या कांग्रेस यहाँ भी अब भाजपा को मात देती है, पूरी सरकार को मात देने में कामयाब रहती है। जी दीपाली, चलिए ललित आपका रुख करूंगी दोबारा, जितेंद्र पांचाल हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, हमने सभी पार्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा की, बातचीत की, किसने क्या किया, सारे बयानबाजी जो थे हम लोगों ने अभी बातचीत किए हैं सभी संवाददाताओं से, लेकिन अभी इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता का मूड क्या कुछ है इस समय देखने को मिला है, क्योंकि सब कुछ जनता के मूड पर ही डिपेंड करता है कि वो किसको अपनी जीत का ताज जो है किसके सर पर सजाएंगे। क्या कुछ है जनता का मूड इस समय? हाँ बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि काउंटिंग स्थल पर जो है कुलदीप बिश्नोई अभी अभी यहाँ से निकले, अभी अभी पहुंचे, क्योंकि मेरे पीछे अगर देख रहे हैं कि राइट साइड में जो है काउंटिंग स्थल बनाया गया है और इसके साथ साथ जो उसके सामने ही जो है मीडिया सेंटर बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काउंटिंग स्थल के जो बिल्कुल पास की है, और यहाँ की अगर जनता के मूड की जिस तरह से आपने बात की, कहीं ना कहीं आपकी बार जो है जनता का मूड भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी देखा जा सकता है, और उधर दूसरी तरफ की अगर बात करें तो भव्य विष्णु जो युवा चेहरा है आपकी बार, तो कहीं ना कहीं जो भजनलाल के साथ जो है लोगों की सिंपैथी है, उन्होंने भजनलाल ने जो है यहाँ पर विकास कार्य किया है, तो लोगों के पास हम गए थे तो उनका यह कहना था कि विकास के नाम पर जो भजनलाल की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं भजनलाल ने आदमपुर हलके में काफी विकास किया है और उसी को नाम पर जो है वोट दी जाएगी। लेकिन आपकी बार जो बदलाव की स्थिति कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, जिस तरह से मैंने कहा कि खेल बिगाड़ने की बात, आपकी बार समीकरण बिगाड़ने की बात, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं समीकरण जिस तरह से बिगाड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को उसका हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे लोग बने हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरह से बड़ी जीत के साथ जो है सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर उसको अच्छा मौका है आपकी बार मिलने का कि अगर अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अगर अच्छे वोट मिलते हैं या कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती है, किस तरह की तस्वीर होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें देख से, क्योंकि बैरिगेट्स जो है तीन बैरिगेट्स हम पार करके आए हैं, ये जो बैरिगेट्स है यहाँ पर भी जो है चेकिंग पूरी तरीके से की जा रही है, लोगों से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास यहाँ की जनता का क्या मूड है। क्या नाम है जी आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या आपकी बात जो आदमपुर की जनता है क्या मूड है? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई क्यों? क्योंकि काम किया आदमपुर में उन्होंने, आदमपुर में काम किया है तो आपकी बार, क्योंकि आदमपुर में पहले कांग्रेस थी, फिर हजका बनी, फिर उसके बाद कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ से रहे और अब जो है भव्य बिश्नोई को उसने उतारा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि 7 साल बनाम 70 साल, क्या कहेगा उसको? भव्य बिश्नोई जीतेगा, बड़े बढ़िया। जीत की बात आप कह रहे हैं, अगर काम की बात करें, आप कह रहे हैं काम किया है तो 7 साल में कितना काम विकास हुआ यहाँ पर? विकास इन्होंने 330 करोड़ रुपए लगाए हैं आदमपुर में, कुलदीप जी ने उनसे मंजूर करवा के। बिल्कुल, और लोगों से बात करें, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश है। क्या कहेंगे आपके पास? मैं यही कहूंगा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जजपा के जो उम्मीदवार हैं, अच्छी वोटों से बहुत मार्जिन से जीतेंगे और जितने भी चाहिए, और 2024 का यह चुनाव तय करेगा। इससे पहले जिस तरह से 2019 की अगर बात करें तो जो कुलदीप बिश्नोई काफी मार्जिन से यहाँ पर जीते थे, और आपकी बार अगर बात करें तो क्योंकि कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद अब फिर जो है वो बीजेपी में चले गए, कितना अनुमान मानते हैं कि कितना बदलाव मानते हैं आपकी बार? बदलाव तो देखो, इनका ये गढ़ है, इनका घर है, और यहाँ के मतदाता इनको चाहते हैं। यहाँ तो इनके मुकाबले में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ लेता उसका खाता भी नहीं खुलना था, तो ये तो एक तरफा इलेक्शन था, इनके नाम का था, इनके परिवार का था, इनके चेहरे का था।
तो जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कुलदीप ईश्वरी कांग्रेस में रहे हैं, अब एकदम बीजेपी में चले गए, तो क्या होगा कि अब की बार भजलाल परिवार को वोट दी जा रही है या बीजेपी को वोट दी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी पार्टी है, उनकी सरकार एक स्थायी सरकार है, लेकिन यहाँ चेहरे का जो चेहरे की फेस वैल्यू है वो भी विशेष महत्व रखती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते उनको फायदा ही मिलेगा। तो इससे पहले कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई थे, वो भी काफी वोटर से, अब जिस तरह से भव्य बिश्नोई बीजेपी में है और कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में चले गए। राजनीति और समय और स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब समय और स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया, उसी के तहत भव्य बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत कह सकते हैं कि भव्य को वोट देंगे, भजलाल परिवार को वोट देंगे, ना कि बीजेपी को। नहीं, ये इस बात को मैं नकारूंगा, ये बात नहीं है। देखो, जो सत्ता में सरकार होती है, चौधरी मनोहरलाल खट्टर के जो विकास कार्य हैं, उन्होंने यहाँ पहले भी विकास कार्य करवाए, और जब से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आए थे उसके बाद निरंतर यहाँ विकास हो रहा है, बहुत लंबे चौड़े प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ के मतदाता ने भव्य बिश्नोई को वोट दिया। बिल्कुल, भव्य बिश्नोई को कह रहे हैं कि काफी काम किया है, लेकिन और भी है, हम इनसे भी बात करें। क्या नाम है जी आपका? विक्टर डेविड। हाँ बताइए डेविड जी, आपकी बार किसको वोट है? कांग्रेस हमेशा आदमपुर में कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये आप जानते हैं, और कांग्रेस हमेशा आदमपुर से जीतती आई है, और कांग्रेस का कैंडिडेट है जयप्रकाश जेपी भाई, और वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और कांग्रेस मजबूत रही है, दोनों बात है ये बात। बिल्कुल, बीजेपी से जिस तरह युवा चेहरा है भव्य, और जेपी यहाँ से पहले भी उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन आपके बार क्या बदलाव किस तरह से चाह रहे हैं? इस बार ये बदलाव हुआ है कि भाजपा के तो आपको पता ही है कार्य कितने टाइम से भाजपा है, और अभी तक कांग्रेस का था। नहीं, कहा जा रहा है कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने काफी काम किया है, विकास किया है, और बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं, काफी विकास और विकास के नाम पे वोट। एक सेकंड, आप विकास की बात कर रहे हैं, वहां से कैंडिडेट कौन थे अभी तक? कैंडिडेट कौन थे आप ये बताइए, आदमपुर से कौन जीते हुए थे? आधा घंटा भी नहीं बचा, अभी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, आप ये बताइए ना, कैंडिडेट कौन थे अब तक? आदमपुर जीता हुआ कौन था? कांग्रेस से जीतती थी, विधायक कौन थी? बीजेपी में चले गए क्या, विकास में? अभी देख सकते हैं कि उम्मीदवार जो है फिर से जो कुलदीप बिश्नोई जी बाहर गए हैं, तो अचानक क्योंकि काउंटिंग स्थल पर गए थे, अब वापस जा रहे हैं, तो मैंने बात कही यहाँ के लोगों से और जनता का मूड जानने की कोशिश की कि आखिर किसका आपकी बार जो है समीकरण बना है, लेकिन जिस तरह से समीकरण की हमने बात की तो कहीं ना कहीं जेपी और दूसरी तरफ जो अगर बात सकते हैं कुलदीप यानी कि भव्य बिश्नोई, तो आपकी बार वोट की किसको दी गई है वो बटपेतियों में, आधा घंटा भी नहीं बचा। बिल्कुल बचा है काउंटिंग शुरू होने में 8 बजने में, लेकिन जैसे कि आपने जनता से भी बातचीत की और जाना कि उनका मूड क्या है, क्योंकि सबके अलग अलग जो परसेप्शन है वो सामने है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात यही देखने को मिली है कि जनता जो है हमेशा से विकास की ओर ध्यान रखती है, वो ये नहीं देखती कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का है, तो मतलब विकास सबसे ज्यादा मैटर करता है चुनाव में। हाँ बिल्कुल, विकास जो है महत्व करता है इसमें, क्योंकि विकास के नाम पर ही वोट ली जाती है, जिस तरह से हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास किया पूरे हरियाणा में, लेकिन उसको उसकी हार हुई पिछली बार, तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर की लोगों की सिंपैथी, यहाँ का जो गढ़ है आदमपुर का गढ़ माना गया है, और आदमपुर का गढ़ जो है भजनलाल का गढ़ है, तो अब की बार भजनलाल के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश फिर से कांग्रेस ने की है। कांग्रेस कितने से जीतेगी या भव्य बिश्नोई जीतेगा वो अभी गर्म में है, क्योंकि थोड़ी देर में कुछ देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, और अलग अलग जो टेबल लगाई गई है काउंटिंग होगी, और उसके बाद साफ परिणाम हो जाएगा कि आखिर गढ़ को सेंध लगी है या फिर दोबारा से गढ़ बचाने में एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी और भव्य बिश्नोई जो है यहाँ पर विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदमपुर से। ललित, जैसे कि हम लोगों ने जनता से भी बात की और उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है ललित, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जो फेस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, काम जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है, लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन जनता जो है सिर्फ विकास पर ध्यान देती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर ललित जी? दीपावली, बिल्कुल जिस प्रकार से आदमपुर की जनता का मूड है, उनसे जो बात की गई है, उनका साफ कहना है कि जो मुद्दा विकास का है, जो आदमपुर की जनता के लिए कार्य करेगा और विकास के आगे लेकर जाएगा, उस उम्मीदवार को ही वोट डाली गई है। विकास सबसे पहले लोगों ने बताया है, लेकिन जिस प्रकार से आदमपुर का लगातार विकास हो रहा है, भजनलाल परिवार द्वारा विकास करवाया गया है, लगता है कि भजनलाल इस परिवार इस बार से कामयाब होंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद जो
मतगणना शुरू होगी उसमें पहले राउंड में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी अभी कुलदीप बिश्नोई कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया, वह वापिस चले गए हैं। अभी अभी यहाँ से निकले हैं, लेकिन यह देखने वाली बात है कि किस कारणों से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया है। और जो बात की जाए मतगणना की, जैसे ही 8 बजेंगे सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती की जाएगी, उसके बाद जो मशीनों से वोटिंग जो हुई उनकी गिनती की जाएगी। लेकिन जो आदमपुर की जनता का मूड है उनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा, विकास के मुद्दे को लेकर हमने वोट डाला है, और किस पर लोगों का मूड बनता है, क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस का यहाँ गढ़ रहा है, कांग्रेस ने यहाँ पर काम किए हैं। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार होते थे भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर 2009 में चुनाव जीता था और यहाँ पर काफी मार्जिन से चुनाव जीता था। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने अब तक आदमपुर में खाता नहीं खुला, अब तक कोई भी जीत, लेकिन दो उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुई थी। सोनाली का फोगाट ने 2019 में जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुई थी। लेकिन जो लोग हैं कहते हैं कि बीजेपी यहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकास को लेकर वोट की जाएगी। हुड्डा राज का कहना है कि कांग्रेस में यहाँ पर बहुत से विकास कार्य हुए हैं और भुजनलाल जहाँ मुख्यमंत्री थे उस दौरान लगातार विकास के आकर्षण था और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह देखने वाली बात है दीपाली, इस बार जो कांग्रेस का गढ़ बचाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने कामयाब, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुणे चुनाव प्रचार में यहीं पर रुके हैं, यहीं पर रहे हैं और लोगों के बीच गए हैं गली गली। उनका साफ कहना है कि विकास को लेकर वोट की जाए, और जैसे ही हम यहां पर मुख्य जो विधायक बनते हैं और 2024 में जब चुनाव होंगे उसमें हमारी सरकार आती है तो हम यहां पर विकास कार्यों की जड़ी लगाएंगे। और उन्होंने घोषणा की है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि हमारी सरकार बनती है तो हम बुजुर्ग पेंशन जो है 6000 की जाएगी, और इसके अलावा जिन बुजुर्गों की पेंशन बीजेपी राज में कटी है उन्हें इंस्टीट्यूट के साथ पेंशन दी जाएगी, उन्हें जो रुकी हुई पेंशन है वह सभी दी जाएगी। यह देखने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को अपनी तरफ जाने में और लोगों को कांग्रेस के प्रति वोट डालने में कितने सक्सेसफुल हुए हैं, उनको उसी को लेकर कितना यहाँ पर आदमपुर की जनता ने उन पर विश्वास जताया है, या भव्य बिश्नोई यहाँ पर अपने गढ़ को बचाने में कम, क्योंकि यह देखने वाली बात है कि भव्य बिश्नोई यहाँ पर युवा चेहरे हैं। ललित आप अभी मतगणना केंद्र पर खड़े हुए हैं, तो आप जरा तस्वीरें दिखा सकते हैं कौन कौन पहुंच गया है, कौन कौन अभी नहीं पहुंचा है, कितने समय में, क्योंकि अभी सिर्फ 15 मिनट का ही मुश्किल से समय बचा है काउंटिंग शुरू होने में, तो जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है मतगणना केंद्र पर, कौन कौन पहुंच गया जरा बताएं। जी बिल्कुल दीपाली, जिस प्रकार से मतगणना में केवल 15 मिनट बचे हुए हैं जो नेता हैं वह पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, हम आपको रोड का दृश्य दिखा रहे हैं कि बिल्कुल यहां पर सुनसान तरह की यहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल 4 चौकन की गई है, 3 लेयर की जो सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है, कोई भी शरारती तत्व तो यहाँ नहीं पहुँच सके, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सुनसान है, कोई भी लोग यहाँ नहीं है, कोई भी शरारत न करे उसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो बात की जाए यहाँ पर नेताओं की पहुँचने की, नेता आज तक पहुँचने लगे हैं और जो भव्य बिश्नोई हैं जो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे ही कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुँचे थे लेकिन उन्हें मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया है, वह तुरंत वापस हो गए और अपने कार्यालय। चलिए ललित, आप 2 मिनट के लिए यहीं पे रुकिएगा और जितेंद्र आपके पास भी वापस लौटूंगी। और अभी क्या कुछ कहा है कुलदीप बिश्नोई में मतगणना केंद्र वो पहुंच गए हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। काम का अहम दिन आज, परिणाम बहुत बढ़िया रहेगा और ईश्वरी कृपा अजंता की कृपा से बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। सर, पिता भजनलाल जी की समाधि पर वहाँ माता लेकर आए हैं, परिवार के सहित आशीर्वाद लेकर आए हैं, किस तरह से आप कह रहे हैं? हमेशा हर कोई भी शुभ काम से पहले मैं मेरे पिताजी की समाधि पर आशीर्वाद शिवालय जाके आशीर्वाद लेता हूँ, दोनों भाई दोनों जगह आशीर्वाद लेके आए हैं, अब जनता का आशीर्वाद। सर, 1968 से भजनलाल परिवार जीतता आया है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफरेंस जीत का कम होने वाला है। देखिए ऐसा नहीं है, डिफरेंस कम नहीं है, हमारा
54 साल का विश्वास लोगों से है, किसी पार्टी की हवा रही हो, किसी की आंधी रही हो, ये आदमपुर हल्के के लोग समझदार लोग हैं और परिवार की तरह में वोट डालते हैं। और आज भी दावे से कहता हूँ, ये बात रिकॉर्डिंग रखिएगा, कि बहुत बड़े मार्जिन से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीतेंगे। तो आदमपुर को लगता है कि मंत्री मिलेगा कोई? ये तो खट्टर साहब जवाब दे पाएंगे। तो जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने भी मीडिया से साफ तौर पर यही कहा है कि बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है। और जितेंद्र आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी। जितेंद्र, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर यह कहा है कि बड़े मार्जिन से इस बार भव्य बिश्नोई जीतने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ज्यादा मार्जिन से हम आपकी बार जीतेंगे, आशीर्वाद लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आशीर्वाद लेने के बाद उसको कितना भी यहाँ पर जो है, क्योंकि काउंटिंग स्थल पर गए थे, काउंटिंग स्थल से बाहर भी निकले, जो बातचीत जिस तरह से उन्होंने की, कहीं ना कहीं अस्वस्थ नजर आ रहे थे जो कुलदीप बिश्नोई, स्माइल उनके जो चेहरे पर नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं जीत की जो खुशी उनको पहले से नजर आ रही थी। लेकिन जनता का मूड अब की बार क्या है, वो मतपेटियों में बंद है। कुछ ही चंद सेकंडों के, मिनटों के बाद अगर कह सकते हैं कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद किसकी जीत होगी, किसका भविष्य उज्जवल होगा, क्या दोबारा से जो है यहाँ पर जो है भजनलाल परिवार का जो है जीतेगा, या फिर जेपी जो है यहाँ पर जीत हासिल करेगा। तो जनता का मूड भी हमने जानने की उससे यहाँ का जो पूरा जो यहाँ का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ का क्या नजारा है। अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे हम बात करने की, अलग अलग उम्मीदवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितने वो सही हैं। क्योंकि अब की बार जनता का मूड चार पार्टियां खासतौर पर मैदान में मानी जा रही है। हालांकि उम्मीदवार की अगर बात करें तो 22 उम्मीदवार अब की बार जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन चार पार्टियों में से ही मुख्य जो दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह से रहा, क्योंकि सुगंधाली फोगाट जो है आधे से कम मार्जिन से जो है जीत हारी थी और उससे पहले कुलदीप बिश्नोई जो काफी मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो अभी यहां का नजारा मैं फिर से दिखा दूं, पुलिस के यहां पर जिस तरह से पुख्ता प्रबंध है, नजारा यहां पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 3-लेयर सिक्योरिटी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। अंदर का टेबलों की अगर बात करें, पूर्ण रूप से टेबल के ऊपर जो वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, काउंटिंग पर जो ऑफिसर पहुंचे हैं, तमाम तरीके से उनकी नजर एक एक जो मतपेटियों पर रहेगी और काउंटिंग पूरी तरीके से मीडिया सेंटर जो सामने बनाया गया है उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें पेटियों की, तो मतपेटियों के ऊपर पूरी तरह से जो है ऑफिसरों की नजर रहेगी। काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद भविष्य जो है जिसका है, किसका उज्जवल होगा, फिर से वो देखने वाली बात होगी। अभी यहाँ का नजारा रोहतक अगर बात करें आदमपुर की, तो आदमपुर में सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम है। लोगों के अगर दिखाना चाहें तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ क्योंकि जिनकी ड्यूटियां अंदर है वो अंदर चले गए, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करें। क्या नाम है जी आपका? महावीर है। महावीर जी, आपकी बार क्या मूड है आप लोगों का, किस तरह से वोट डाली आपकी बार? मैंने तो जी 3 बार पिता ली, कुलदीप बिश्नोई को भी पिता के देख लिया पछला गिरे। अच्छा, और उससे पहले जयप्रकाश ने भी पिता लिया जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पीछे कुलदीप बिश्नोई जीते थे, जयप्रकाश जी को पछला गिरे में कुलदीप बिश्नोई को वोट दिया था जी। जी आपकी बार क्या, किस तरह का मूड है? मेरा मूड खुद का जी, चोटाला की पार्टी ने वोट देने का मूड है। चोटाला की कुरडाराम को कहीं ना कहीं आपकी बार देखना, क्यों कुरडाराम को क्यों देखना चाहते हैं? वो जी एक सीधा साधा जमींदार आदमी है और दौड़ी ये कौन से भर दे कौन ना, ये जनता की सुरक्षा के लिए काम कर दे और ना ये अस्पताल का कर दे, और एम्स कॉलेज बना दो यार जी। मोदी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा जी, अग्रवा मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दे दो। विकास की अगर बात करें तो पिछले 70 साल और 7 साल की बात करें तो विकास कितना हुआ है अभी यहाँ? विकास जी कहना मतलब है, मोदी को 8 साल हो गए पीएम बने, और मोदी कहना मतलब है इसार डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट आती है यहाँ, भिवानी, इसार, सरसा, इनमें अग्रवा मेडिकल कॉलेज को चौधरी देवीलाल ने तो मतलब है मेडिकल को 400 एकड़ जमीन दे दी, और उसको कहना मतलब है एम्स का दर्जा बना दिया, तो यहाँ की 200 किलोमीटर तो अगर बात की जाए व्यवस्था की, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर के सुविधाएं पूरी है यहाँ पर आदमपुर के? नहीं जी, आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल के टाइम तो एमडी डॉक्टर बैठे कर दे जी, कुलवीर सिंह उनका नाम था, और आज और MBBS डॉक्टर को नहीं, मैं खुद हट का मरीज हूँ जी, वो MD डॉक्टर नहीं बैठते जी। बिल्कुल, विकास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 7 साल की अगर बात करें तो विकास जो है लोग जो है उनसे खुश नहीं है, क्योंकि अलग अलग समर्थक खासतौर पर यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हों, चाहे हम कह सकते हैं कि आम आदमी के समर्थक हो या फिर कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सबके अलग अलग व्यू हैं, लेकिन लोगों का जो मूड है वो क्या है, मतपेटियों में बंद है।
अब कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर जो मतपेटियाँ खुलेंगी और भविष्य भी जो है उनका निकलेगा। तो अगर आदमपुर की अगर फिर से अगर पूरी बात करें तो आदमपुर एक अहम निर्णय है, क्योंकि खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए। बदलाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब और पंजाब से हरियाणा में जिस तरह से एंट्री करी है, तो कहीं ना कहीं अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कितना जनाधार बनाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कोड़ाराम की अगर बात करें तो कोड़ाराम का यहाँ पर काफी लोग समर्थन में है और काफी उसको वोट कितनी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बालसमंद गाँव है। ज्यादातर हमने देखा कि वहां पर जो है कोड़ाराम के समर्थक थे। अगर बीजेपी की बात करें तो वहां समर्थक जो बहुत कम थे, और कांग्रेस की बात करें तो वहां समर्थक जो है कांग्रेस के और इनेलो के जो है ज्यादातर बालसमंद की बात करें तो वहां ज्यादा थे। तीनों चारों पार्टियों ने जो जोर लगाया है और जोर लगाने के बाद नतीजा क्या है वो मतपेटियों में बिल्कुल कुछ ही देर बाद बिल्कुल जितेंद्र पांचाल बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो अब आने वाली जो काउंटिंग है 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने में अब मुश्किल से 10 मिनट का समय बचा है, और अब आने वाला समय बताएगा कि किसके सर जीत का ताज सजेगा। वैसे देखा जाए अभी तक जो हमने कंक्लूजन निकाला है तो उसमें साफ तौर पर यही दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की, इसी बीच जो कुलदीप बिश्नोई है उन्होंने भी साफ तौर पर एक स्माइल के साथ कहा है कि वो जीत रहे हैं, जीत का दावा किया है उन्होंने, साफ तौर पर ये कहा है। अभी हमने आपको उनकी बाइट सुनाई है, और इसके अलावा वहीं लोगों का भी ये कहना है, अलग अलग मूड जो है लोगों का नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।